हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 11th में आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये चैप्टर चल रहा है, तो जिसमें आपको मैंने माइटोसिस डिवीजन के बारे में पूरा पढ़ा समझा दिया है कि किस तरह से कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होकर के माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चारों के अंत होते होते कैरियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज हो जाता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और उसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साइटोकाइनेसिस हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, तो बच्चों पहले हम ये देख लेंगे कि एम फेज में प्रॉपर तरीके से क्या क्या हुआ। सबसे पहले और सबसे लास्ट में, सबसे पहले हुआ आपका कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद हुआ आपका प्रोफेज, के बाद हुआ आपका मेटाफेज, उसके बाद हुआ आपका एनाफेज, के बाद हुआ आपका टीलोफेज और लास्ट में आपका क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रक्रिया के बाद माइटोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, माइटोटिक डिवीजन के सिग्निफिकेंस यानी कि माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है, तो वो हम देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या है माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में, कि माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को हम और क्या कह सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। उसमें क्या क्या होती है, ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, प्रायः किसमें, डिप्लॉयड सेल्स में पाया जाता है, डिप्लॉयड सेल्स में पाया जाता है। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप प्रायः लिख लेंगे, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डिप्लॉयड में पाया जाए, लेकिन प्रायः डिप्लॉयड सेल्स में पाया जाता है। कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें हैप्लॉयड सेल्स में भी माइटोसिस डिवीजन होता है, इसलिए डिप्लॉयड सेल्स में पाया जा रहा है, तो ब्रैकेट में प्रायः लिखा गया है, यानी कि कुछ लोअर प्लांट्स में या कुछ इंसेक्ट्स में भी हैप्लॉयड सेल्स में ये पाया जाता है, हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है, ठीक है। और माइटोसिस जो है उसके द्वारा क्या होता है, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स उत्पन्न होती हैं, जिसमें आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि माइटोसिस से क्या होता है, माइटोसिस के द्वारा माइटोसिस के द्वारा डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती हैं, और आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट उसमें होता है, इसमें आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वृद्धि
किसके कारण होती है? माइटोसिस के कारण होती है। तो क्या लिखेंगे कि ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी किसके द्वारा होती है? माइटोसिस के द्वारा, यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि सोमैटिक सेल्स में भी जो है वो समसूत्री विभाजन पाया जाता है, माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। अब जो सेल की ग्रोथ होती है उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करने के लिए सेल्स क्या होती रहती हैं? डिवाइड होती रहती हैं। तो अब माइटोसिस और क्यों, किसमें सहायता प्रदान करती है? माइटोसिस डिवीजन सेल के रिपेयरिंग में, सेल के मरम्मत में या रिपेयरिंग में हेल्प करती है। कौन? माइटोसिस। और अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, सेल लाइनिंग ऑफ गट है या ब्लड सेल्स है, ये लगातार रिप्लेस होती रहती है, यानी कि पुरानी सेल्स खत्म होती रहती हैं और नई सेल्स बनती रहती हैं। तो वो भी किस प्रक्रिया के थ्रू होती है? माइटोसिस की प्रक्रिया के थ्रू। और प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, द एपिकल और लेटरल मेरिस्टम में, उसमें भी माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ है वो पूरे जीवन होती रहती है। तो प्लांट्स के किस टिश्यू में पूरे लाइफ टाइम में उनके ग्रोथ होती रहती है? पौधों के विभाज्योतक ऊतक, विभाज्योतक ऊतक, और उसी को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन कौन सी? एपिकल और लेटरल मेरिस्टम जो दोनों होती हैं, एपिकल और लेटरल मेरिस्टम, एपिकल एंड लेटरल। तो एपिकल क्या ऊंचाई में वृद्धि करता है और लेटरल जो है वो मोटाई में वृद्धि करता है, लेटरल मेरिस्टम। उसमें क्या है? पूरे जीवन काल वृद्धि होती रहती है, पूरे जीवन काल कौन सा? यही माइटोटिक डिवीजन होता रहता है और ग्रोथ जो है वो पूरे जीवन काल में वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। और कौन से विभाजन के फलस्वरूप? माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन द्वारा। ठीक है, तो कुछ माइटोसिस के सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं। अब हम बच्चों माइटोसिस के सिग्निफिकेंस आप सभी ने देख लिए, अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? मियोसिस के बारे में या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो दो प्रकार का होता है, इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज माइटोटिक, माइटोसिस, और सेकेंड वन इज मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन के बारे में सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरह से कौन कौन से फेज आते हैं। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस आता है, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? एम फेज में माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब हमको जानना है बच्चों मियोसिस डिवीजन के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आप सभी ने जान लिया, इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहते हैं। ज्यादातर डिप्लॉयड सेल्स में पाया जाता है, सोमैटिक सेल्स में, और कुछ लोअर प्लांट्स में या कुछ इंसेक्ट्स में या हैप्लॉयड सेल्स में भी पाया जाता है।
माइटोसिस के बाद जब डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती हैं तो उसमें आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है और ग्रोथ जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की उसमें भी समसूत्री विभाजन के द्वारा वृद्धि होती रहती है। बहुकोशिकीय जंतुओं में सेल की मरम्मत का काम वो भी माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए त्वचा में टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत या गट लाइनिंग की मरम्मत भी इसी विभाजन के फलस्वरूप होती है। और पौधों में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसमें भी एपिकल और लेटरल मेरिस्टम पूरे जीवन काल उसमें वृद्धि होती रहती है। किस डिवीजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा या माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। तो अब हम जानेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मियोसिस के बारे में। नेक्स्ट हमें किसके बारे में पढ़ना है? मियोसिस के बारे में। मियोसिस जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाएगी। अब इसमें आपका अलग अलग अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, यानी कि मियोसिस वन और मियोसिस टू, दो फेजेस इसके होते हैं, उसमें ये कंप्लीट होता है। मियोसिस वन में भी अलग अलग फेज होते हैं और मियोसिस टू में भी अलग अलग फेज होते हैं। तो मियोटिक डिवीजन के दो अलग अलग फेजेस, यानी कि आपको अर्धसूत्री विभाजन में दो फेजेस होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है ना। नाम बदल जाएंगे फेजेस के, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। मियोसिस डिवीजन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा यदि ऑफस्प्रिंग के बनने में, आप सभी को पता है कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, तो हर गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स का एक एक कैसा होता है, हैप्लॉयड सेल मौजूद होता है। यानी कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो फ्यूजन जब होता है तो हर गैमेट में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में 23 के सेट में क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके फ्यूजन के बाद तब डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और उसमें फिर जाके 46 हो जाते हैं, है ना। तो हर गैमेट में क्रोमोसोम्स का एक हैप्लॉयड सेल मौजूद होता है, हैप्लॉयड सेट मिलता है, ठीक है। अब गैमेट का निर्माण जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ विशेषीकृत इसी के लिए पाए जाने वाले डिप्लॉयड सेल्स से होता है। गैमेट का निर्माण कुछ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स से होता है। तो मियोसिस के जो विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मियोसिस के द्वारा बनने वाली जो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। तो पहला पॉइंट जो आप नोट कर सकते हैं वो ये है कि मियोसिस के द्वारा बनने वाली हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में बनने वाली हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या की संख्या आधी रह जाती है। आधी रह जाती है। ठीक है। अब और क्या होता है, मियोसिस के द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉयड फेज आता है, है ना। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पूरे लाइफ साइकिल में हर फेज जो है वो डिप्लॉयड होता है, यानी हर जगह पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा होता है, पर एक टाइम पे, यानी कि लाइफ के एक फेज में, जब रिप्रोडक्शन के टाइम में हैप्लॉयड
सेल्स की जरूरत होती है, इसलिए वहां पे मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम में एक हैप्लॉयड फेज आता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है और पूरे टाइम में फिर से उसके बाद क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से दोबारा से कौन सी फेज आ जाती है, डिप्लॉयड फेज आ जाती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स में गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे ही मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में पौधों और जंतुओं में गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान, गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस होती है जिसके फल स्वरूप क्या बनता है, हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं। जिसके फल स्वरूप हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं। बनते हैं, ठीक है। अब जो आपका मियोसिस के इसमें कुछ की फीचर्स हैं, मैंने आपको ऊपर लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि मियोसिस डिवीजन का फर्स्ट स्टेज होगा और सेकेंड स्टेज होगा। तो की फीचर्स को हम इस तरह से लिखेंगे कि मियोसिस में न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की दो सीक्वेंस में साइकिल चलती रहती है, जिन्हें मियोसिस वन और मियोसिस टू हो कहते हैं। लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो केवल सिंगल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन की सिंगल साइकिल चलती है, लेकिन मियोसिस की वन और टू, क्योंकि उसमें एक फेज में क्या होगा कि जो डिप्लॉयड है वो हैप्लॉयड में कन्वर्जन होगा उसका, और अगले फेज में क्या होगा, सेम वैसे ही रह जाएगा। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, आपका मियोसिस में दो फेजेस होते हैं, एक आपका मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होगा मियोसिस सेकेंड, मियोसिस वन और मियोसिस टू। लेकिन इन दोनों के बावजूद भी जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एक सिंगल साइकिल, उसकी सिंगल साइकिल ही चलती है। तो एस फेज में पेरेंटल क्रोमोसोम्स के रेप्लिकेशन के साथ क्या होता है, सिस्टर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बनने के बाद मियोसिस वन शुरू होती है। तो ये लिखेंगे कि एस फेज में पेरेंटल क्रोमोसोम्स के रेप्लिकेशन के साथ आइडेंटिकल यानी उसी तरीके की आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बनने के बाद क्या शुरू हो जाता है, मियोसिस वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बनने के बाद मियोसिस वन वाला फेज स्टार्ट हो जाता है। शुरू हो जाती है ठीक है। तो मियोसिस में
होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। अब इसको मियोसिस टू के लास्ट में चार हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं और मियोटिक डिवीजन के अलग अलग कई फेजेस होते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे कि कौन कौन से फेज होते हैं। देखिए, एक हो गया आपका, यहाँ पे हम लिख लेंगे मियोसिस, एक चार्ट बना लेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए अच्छे से। और उसके बाद उसमें दो फेजेस हो गए, एक आपका होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा फेज होता है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब मियोसिस वन में क्या होगा, अभी नाम नहीं चेंज हुए हैं, नाम चेंज होंगे आगे जाके, अभी नाम नहीं चेंज हुए हैं। अभी क्या होगा, माइटोसिस में जैसे हो रहा था वैसे ही चार फेजेस इसमें भी आएंगे, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट, फिर आपका आ जाएगा एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद टीलोफेज और वो भी फर्स्ट। तो अभी इतना तक तो लर्न हुआ कि मियोसिस वन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों आएंगे और चारों का फर्स्ट स्टेज होगा। ठीक है, इसके बाद समझने के लिए मियोसिस टू में भी चार स्टेजेस आएंगी और इन चारों का कैसा स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज होगा, तो उसको भी हम लिख लेंगे। प्रोफेज का भी सेकेंड स्टेज, मेटाफेज का भी सेकेंड स्टेज, एनाफेज का भी सेकेंड स्टेज और टीलोफेज का भी सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से अभी यहां पर तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मियोसिस दो चरणों में कंप्लीट होता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन में भी जो माइटोसिस फेज में आपके स्टेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उनका फर्स्ट स्टेज मियोसिस वन में होगा और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज का सेकेंड स्टेज जो है वो मियोसिस टू में होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ चीजें एड ऑन हो जाएंगी, जैसे कि प्रोफेज वन जो होगा उसमें कुछ और स्टेजेस आएंगे जिसको आपको समझना होगा। प्रोफेज वन में भी कुछ अलग अलग स्टेजेस आएंगी, जैसे कि आपका लेप्टोटीन आएगा, जाइगोटीन आएगा, पैकिटीन आएगा, डिप्लोटीन आएगा और डायाकाइनेसिस आएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें, ये जो कुछ नाम है वो कुछ न्यू नेम्स ऐड हुए, कुछ नए नाम ऐड हो जाएंगे, ये कुछ नए नाम ऐड होंगे। यही मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा माइटोसिस और मियोसिस के फेजेस में डिफरेंस है। तो अब हम मियोसिस वन के प्रोफेज फर्स्ट में इसमें क्या क्या होता है आपका, अलग अलग कौन कौन से चरण आते हैं उसको समझेंगे। तो प्रोफेज वन जो होता है इसमें, प्रोफेज वन में इसको अगर हम ऐसे, प्रोफेज वन में कौन कौन सी आती है स्टेज, लेप्टोटीन आएगी, पहले इसको इस तरह से फ्लो चार्ट बना के लर्न कर लेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हर एक एक स्टेज के बारे में समझेंगे। लेप्टोटीन आएगी और क्या आएगी उसके बाद, जाइगोटीन आएगी, उसके बाद क्या आएगी बच्चों, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, उसके बाद पैकिटीन, और उसके बाद कौन सी टीन आएगी आपकी, डिप्लोटीन आएगी और डायाकाइनेसिस होगी। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, है ना। तो यानी कि कॉम्प्लिकेशन का जो लेवल है उसमें प्रोफेज वन में ये पांच फेजेस और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। अब ये कह सकते हैं कि रिसर्च में ये फेजेस क्लियर हो चुकी हैं, तो ये आपको पढ़ाई जा रही हैं। इसमें से आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, इसके बारे में थोड़ा सा
एक्स्ट्रा पढ़ना है, और सारी चीजें लगभग लगभग सेम होंगी। और इसके बीच में मतलब जो कॉम्प्लिकेशन का लेवल है उसमें ये पांचों नाम आपको थोड़ा सा अलग से लर्न करने हैं। अब प्रोफेज वन में क्या होता है, मियोसिस के फर्स्ट डिवीजन में, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, आपको अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपने जान लिया, इंट्रोडक्शन उसका आपको पता चल गया कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, लैंगिक जनन के समय पे जब डिप्लॉयड सेल्स एक फेज में हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, गेमिटोजेनेसिस के दौरान पे जब गेमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस समय पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैप्लॉयड गेमिट्स का निर्माण करती हैं, और इसी प्रक्रिया में किस विभाजन की आवश्यकता पड़ती है, अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप इसको बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि मान लीजिए 46 क्रोमोसोम्स वाला है, तो इसकी दो तरीके से आपका दो सेल्स जो डिवाइड होंगी उसमें 23 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अगर 2n है तो यहाँ पे नंबर कैसा हो जाएगा, n, यानी कि ये है आपकी डिप्लॉयड सेल्स, तो दोनों कन्वर्ट हो जाएगी हैप्लॉयड में, दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्लॉयड में। और दूसरी जगह पे क्या होगा, एक मेल और एक फीमेल गैमीट का फ्यूजन अगर होगा, है ना, तो यहाँ पे भी हैप्लॉयड है 23, यहाँ पे भी हैप्लॉयड है 23, और फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 46, यानी कि एक स्टेज जहां पर बस यही एक स्टेज है ह्यूमन लाइफ साइकिल में जहां पे हैप्लॉयड सेल्स आती हैं, अदरवाइज फिर से क्या हो जाती है, डिप्लॉयड सेल बन जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। इसके बाद होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया के बाद, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मियोसिस का या अर्धसूत्री विभाजन का। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मियोसिस वन में प्रोफेज वन आता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या आता है, प्रोफेज वन, प्रोफेज फर्स्ट आता है ना। प्रोफेज वन में कौन कौन सी घटना होती है उसके बारे में जानना है। तो प्रोफेज वन में क्या क्या होता है, प्रोफेज वन में आपका माइटोसिस के प्रोफेज की तुलना में, देखो ये भी लिख लेंगे, माइटोसिस के प्रोफेज की तुलना में, प्रोफेज की तुलना में जो आपका मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज जो होता है ये ज्यादा लंबा होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये प्रक्रिया जो है वो अधिक लंबी व जटिल होती है। अधिक लंबी होती है और अधिक जटिल होती है। अब इसमें क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के आधार पे, क्रोमोसोम्स के व्यवहार के आधार पे पांच फेजेस में इसको सब डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रोफेज वन जो है ये लंबी और जटिल प्रक्रिया है, तो इसको पांच फेजेस में बांट देते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो हो गई वो क्या कहलाती है, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। सेकेंड स्टेज जो हो गई वो क्या कहलाती है आपकी, जाइगोटीन, जाइगोटीन। थर्ड स्टेज जो हो गई वो क्या कहलाती है आपकी, पैकिटीन। फोर्थ स्टेज जो हो गई वो आपकी क्या कहलाती है, डिप्लोटीन, डिप्लो तीन। और फिफ्थ स्टेज जो है वो आपकी क्या कहलाती है, फिफ्थ स्टेज क्या कहलाती है आपकी, फिफ्थ स्टेज कहलाती है डायकाइनेसिस। बस तो ये लंबी और जटिल प्रक्रिया है, पांच स्टेजेस इसमें हैं। अब इन स्टेजेस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे
मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के कौन से फेज के बारे में? लेप्टोटीन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इस पेज पर पढ़ेंगे लेप्टोटीन के बारे में। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, इसमें लाइट माइक्रोस्कोप से देखने पर इस स्टेज में क्रोमोसोम्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं। पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे, इस स्टेज में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर या लाइट माइक्रोस्कोप से देखने पर, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं। धीरे धीरे दिखने लगते हैं, यानी कि क्या, जो क्रोमेटिन मटेरियल था उसका कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और स्पीड में है, तभी क्रोमोसोम्स जो है वो धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगते हैं। और इस स्टेज के दौरान, इस के दौरान यानी कि लेप्टोटीन के समय पे, इसके दौरान जो कंडेंसेशन है वो बहुत तेजी से होता है, या ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन लगातार होता रहता है। क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्ट होने लगते हैं, तो क्या होता रहता है, लगातार कॉम्पैक्शन होता रहता है। लगातार होता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी स्टेज आ जाएगी, जाइगोटीन आती है। तो जाइगोटीन के बारे में जानेंगे, उसमें क्या होता है, आपका मियोसिस फर्स्ट की स्टेज के प्रोफेज वन के दौरान, प्रोफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है, आपका लेप्टोटीन, लेप्टोटीन और लेप्टोटीन के बाद क्या होता है, आपका जाइगोटीन होता है। लेप्टोटीन के बाद क्या होता है, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में आपने जान लिया कि लेप्टोटीन में क्या हो रहा होता है, क्रोमोसोम्स धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगते हैं। इट मींस क्या होता है, उस समय पे क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन जो है वो लगातार होता रहता है। तो लेप्टोटीन में आपको क्रोमोसोम्स दिखने तभी लगेंगे जब उसका कॉम्पैक्शन होने लगेगा, यानी कि कंडेंसेशन जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर, जैसे अगर मान लीजिए क्रोमेटिन मटेरियल्स ऐसे बिखरे हुए हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका इस तरीके से ऐसे वो हल्का हल्का दिखाई पड़ने लगेंगे आपको, जो कुंडली जो उनकी स्पाइरल शेप्ड है वो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बननी शुरू हो जाएगी, वो आपको दिखाई पड़ने लगेंगे कि हाँ इस तरीके से क्रोमोसोम्स का आकार जो है वो होता है। तो पहले वो थोड़ा ऐसे दूर दूर रहेंगे, है ना, और दूर दूर होने के साथ साथ फिर और नजदीक नजदीक आते 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 फिर वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है, फिर वो आपको लगता नहीं कि स्पाइरल्स बने हुए हैं, लेकिन चूंकि स्पाइरल्स में ही होते हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि कॉम्पैक्शन जो है वो लगातार होता रहता है, ठीक है। अब दूसरा, जाइगोटीन में क्या होता है बच्चों, जाइगोटीन में इसमें सिमिलर क्रोमोसोम्स की आपस में क्या होने लगती है, पेयरिंग होने लगती है। इसमें सिमिलर क्रोमोसोम्स की क्या होती है, आपस में पेयरिंग होने लगती है, किसकी, जाइगोटीन में। इसमें सिमिलर क्रोमोसोम्स
की पेयरिंग होने लगती है, यानी कि जोड़ा बनाने लगते हैं, पेयरिंग होने लगती है। और इस पेयरिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेयरिंग होने लगती है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं, इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस कहते हैं। तो जाइगोटिन में सबसे पहले क्या होता है, सिमिलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होने लगती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, अब पेयर्ड क्रोमोसोम्स को, जो क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि सिमिलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होने लगती है, तो सिमिलर क्रोमोसोम्स होने का मतलब है कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, यानी कि एक ही लोकस पे स्थित होते हैं। होमोलोगस का मतलब जो उनका स्थान है वो सेम होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर्ड क्रोमोसोम्स को आप क्या कहते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं, होमोलोगस। और जो पेयरिंग की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सिनेप्सिस कहलाती है। ठीक है, तो सिमिलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होने लगती है, इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं, और पेयर्ड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ये दिखाती है कि क्रोमोसोम सिनेप्सिस के दौरान, जब क्रोमोसोम सिनेप्सिस हो रहा होता है, यानी कि जब सिमिलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही होती है, तो उस दौरान एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। तो उसको समझेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये दिखाती है, ये दर्शाती है कि क्रोमोसोम सिनेप्सिस के दौरान क्रोमोसोम सिनेप्सिस का मतलब सिमिलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग के दौरान, क्रोमोसोम सिनेप्सिस मतलब कि सिमिलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स। इसके दौरान क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, है ना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किसके द्वारा होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है एक जोड़ी, यानी वन पेयर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किससे बनता है, मेड फ्रॉम फ्रॉम एक जोड़ी या वन पेयर ऑफ सिनेप्सिड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिनेप्सिड होमोलोगस गुणसूत्र। ठीक है, ये जाइगोटिन चल रहा है, तो ये नेक्स्ट स्टेज में एकदम क्लियर दिखाई पड़ेंगे, यानी कि अगली स्टेज में दिखाई पड़ेंगे। कौन सी स्टेज आएगी, जब पैकेटिन स्टेज आएगी तो उसमें ये क्लियर दिखाई पड़ेंगे। और पैकेटिन की तुलना में लेप्टोटिन और जाइगोटिन,
ये दोनों ही शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि जल्दी जल्दी आती है और खत्म हो जाती है। तो ये जो स्टेज है जिसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये किस स्टेज में क्लियर होता है? पैकिटिन में ये क्लियर दिखाई पड़ेगा, पैकिटिन में ये स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, यानी कि लेप्टोटीन और जाइगोटीन, लेप्टोटीन व जाइगोटीन, ये दोनों जो हैं वो कैसी होती हैं? पैकिटीन की तुलना में शॉर्ट लिव्ड होती हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में शुरू किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माइटोटिक डिवीजन के तुलना में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ता है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद ये कठिन नहीं लगेगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल जो है वो अपने गुणसूत्रों का विभाजन कर लेती है, यानी कि दो आधे आधे भागों में बट जाती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स जो है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमेट्स फॉर्मेशन के समय 23 क्रोमोसोम्स के रूप में बट जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।